हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीएनेट के 29 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में और किस तरीके का एग्ज़ाम रहा, किस तरीके से आपको आगे स्टडी करनी है और कौन कौन से सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कैसा रहा और किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम हुए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका इफेक्टिव टीचिंग, अगेन ये रिपीटेड टॉपिक था, फिर से इफेक्टिव टीचिंग पे बेस्ड क्वेश्चन आए। इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आए थे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बात की गई थी। उसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी आपका क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन किस तरीके से था, तो देखिए जो पेपर आया था इस बार का, इसमें असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। असर्शन एंड रीजनिंग एंड मैचिंग, इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उनमें से जो भी असर्शन रीजनिंग वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चन है या फिर मैचिंग के फॉर्मेट पे जो क्वेश्चन है, उनको एक बार सॉल्व कर लीजिए अगर आपने नहीं सॉल्व किया है, या एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से मैचिंग एंड असर्शन रीजनिंग को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 2, दैट इज़ आरए, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आया था, और टाइप ऑफ रिसर्च अभी जब से स्टार्ट हुआ है इस बार का नेट एग्जाम, तब से पूछा जा रहा है। तो टाइप ऑफ रिसर्च को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, हर एक रिसर्च के जो फीचर्स होते हैं उन पे स्पेशली आप फोकस करिएगा। इसके अलावा हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया था, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेटरल कम्युनिकेशन, के जितने भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उन पे आपके क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा क्लासरूम कम्युनिकेशन का भी टॉपिक आपको आगे पढ़कर जाना होगा। DI की अगर हम बात करें कि DI कैसा था, और तो DI आपका इजी था क्योंकि ये रेशियो एंड परसेंटेज पे बेस्ड था। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, अगर आपने बेसिक DI सॉल्व किया होगा तो आपको ये इजीली आपसे हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही DI आपकी इजी आ रही है। हो सकता है थोड़ा ही इसका लेवल में चेंजेस हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, तो आप बहुत ज़्यादा टफ प्रिपरेशन करके या रिवीजन करके जाने की ज़रूरत नहीं है। इजी टू मॉडरेट अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप इजीली अपनी DI निकाल पाएंगे। RC की अगर हम बात करें तो इस बार जो RC आई थी वो डायरेक्ट नहीं आई थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। बच्चे बोल रहे थे कि एक से ज़्यादा बार उसको पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि आंसर जो थे वो डायरेक्ट नहीं थे, आंसर आपको इम्प्लाइड वे में देने थे। तो ये जो RC थी आपकी, ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड थी। तो और इस तरीके की जो RC थी वो थोड़ी सी, जब हम इस तरीके के RC सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, और प्लस थोड़ी सी इनडायरेक्ट टाइप की RC हो जाती है। तो RC का लेवल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग से RC को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, मतलब अब इजी नहीं थी RC, डायरेक्ट नहीं थी, नॉन डायरेक्ट थी, डायरेक्ट आंसर नहीं फ्रेम हो रहे थे। तो RC के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस RC की प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 सेट की RC को अपलोड किया हुआ है डिजिटल स्टोर पर, वहाँ से जाकर आप उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स थे, जो आए थे, वो थे आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज। हम देख सकते हैं कि Day 1 से लेकर Day 3 तक यही सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आया था इससे पहले वाले एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बार पूछा जा रहा है, नंबर सीरीज आ रही है, टाइम, डिस्टेंस, एज, ये सारे, स्पीड, ये सारे पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICT के बारे में। ICT में जो इस बार क्वेश्चंस आए थे वो आपके मेमोरी पे बेस्ड थे, जैसे कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आए थे। प्लस उसके साथ साथ आपका फुल फॉर्म आया था, जैसे पहले आ रहा है वैसे एक फुल फॉर्म इस बार भी आया था जो कि आपका GIF का था। तो हम देख रहे हैं कि फुल फॉर्म पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर यहाँ पर आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अगर आप फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लें। फुल फॉर्म के लिए मैंने एक फाइल दी हुई है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, उससे सारे फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं। ये फुल फॉर्म भी उसमें कवर्ड था, अभी तक के जितने भी फुल फॉर्म आए हैं एग्जाम में वो सारे फुल फॉर्म उसमें कवर्ड थे। तो ये जो हम लेवल कह सकते हैं कि फुल फॉर्म का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट लेवल के फुल फॉर्म आ रहे हैं। अगर आपने पढ़े होंगे तो आप इजीली इनको फुल फॉर्म को कर ले जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में। उसके अलावा ICT में भी मैचिंग क्वेश्चंस थे। तो मैचिंग क्वेश्चन के लिए, अगेन मैचिंग क्वेश्चन में होता क्या है कि कई सारे टॉपिक एक साथ कवर हो जाते हैं, इसीलिए आपके नॉलेज को चेक करने के लिए मैचिंग क्वेश्चन NTA ज़्यादा दे रहा है। असर्शन रीजनिंग में भी यही है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है, इसीलिए ये जो आपकी
बेसिकली जो टेस्ट है इसको डिज़ाइन इसी तरह का किया जा रहा है ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को एनालाइज कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ पढ़ें उसको डीप में पढ़ें और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है पेपर एंड वोमेंट। पेपर एंड वोमेंट में आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इस तरीके के क्वेश्चन बने थे। नॉइस पोल्यूशन पे क्वेश्चन था, डेसिबल पे बेस्ड था क्वेश्चन जो नॉइस पोल्यूशन से आया था, ओजोन लेयर पे आपका क्वेश्चन बना था। तो पेपर एंड वोमेंट से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, लॉजिकल रीजनिंग में आपका एंशंट नहीं लॉजिकल रीजनिंग हाँ लॉजिकल रीजनिंग में आपका डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन बना था। एंड आपका एंशंट हायर एजुकेशन में एंशंट एजुकेशन पे आपका क्वेश्चन आया था, यूजीसी एक्ट पे क्वेश्चन आया था। एंड एंशंट यूनिवर्सिटी जिसमें आपकी तक्षशिला नालंदा पे क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, यानी एंशंट यूनिवर्सिटी पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, एंशंट एजुकेशन बार बार आपका कवर किया जा रहा है। इस बार यूजीसी एक्ट से भी क्वेश्चन इन्होंने बना दिया था, यूजीसी एक्ट भी आया था। तो यूजीसी एक्ट का मतलब ये हुआ कि आगे आपके कमीशंस पे भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो कमीशंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड पेपर एंड वोमेंट में आप पोल्यूशन पे स्पेशली ध्यान दीजिए, पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो पोल्यूशन टॉपिक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था। बहुत ज़्यादा नहीं अभी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है क्योंकि कुछ ही बच्चों से मेरी बात हुई है, कुछ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें पता चल पाए हैं। अगर इसमें कुछ और एडिशन होगा तो मैं इवनिंग वाली जो शिफ्ट होगी उसका एनालिसिस में और सारे क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी और सारे टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, हमेशा टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और यही वजह है कि मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो हमेशा क्वेश्चन पर मत फोकस कीजिए, टॉपिक्स पर फोकस कीजिए। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसका जो भी टॉपिक है, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया हुआ है, उस पूरे टॉपिक को पढ़ें। जैसे मैंने बोला कि आपको इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया है, तो इस बार अगर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ही आए। हो सकता है आपसे किसी और तरीके के इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसीलिए जब भी हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन मतलब पूरे ही जितने भी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हैं आपको सब पढ़ने हैं। तो इस तरीके से आप फोकस करें सिर्फ टॉपिक्स पे और हर एक टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाएं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।